हेलो गाइस, क्या कोई डाटाबेस बिजनेस की शुरुआत करके 1,000 रुपये की लागत से 50,000 रुपये महीने की अर्न कर सकता है? तो मेरा सवाल हाँ है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रमाण देने वाला हूँ इस संबंध में, क्योंकि मैं डाटाबेस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैं A to Z बताऊंगा कि आप डाटाबेस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कहां से डेटा ले सकते हैं शुरुआती दिनों में, और कैसे अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको डाटाबेस बिजनेस की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? तो फ्रेंड, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। तो डाटाबेस फील्ड में मैं पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एज ए इलेक्शन कंपेन एक्सपर्ट भी काम कर रहा था। काफ़ी कंपनीज में मैंने काम करा है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भले मैं नया हूं, बट इस फील्ड में काफ़ी दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं डिजिटली प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी अभी आया हूँ, हाल ही फिलहाल में डिजिटली प्लेटफॉर्म पे मैंने स्विच करा है। तो फ्रेंड, मैं डेटाबेस फील्ड के बारे में पूरी A to Z जानकारी दूंगा कि कैसे आप 1,000 रुपये की लागत से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और पहले महीने ही अपनी लागत का 10 गुना भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को ज़ाया करे हुए। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहली बात ये हम बता दें कि डेटाबेस बिजनेस के बारे में। तो डेटाबेस बिजनेस का मतलब अभिप्राय ये है फ्रेंड, कि आप लोगों के नंबर, एड्रेस और ज़्यादातर नंबर और ईमेल और नाम, तीन चीज़ों का कलेक्शन रखते हैं। ये बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। तो जो डेटाबेस बिजनेस की शुरुआत करते हैं या डेटाबेस बिजनेस करते हैं, उनके पास अरबों, करोड़ों नहीं, करोड़ों डेटा पड़े होते, कई करोड़ डेटा पड़े होते हैं, 100 करोड़, अरब, बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं। मतलब इतना इमेजिन नहीं कर सकते, इतने डेटा होते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये डेटाबेस आता कहाँ से है, क्या जेन्युइन होता है? तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये डेटाबेस जो होते हैं मार्केट और इंडस्ट्री से ही उनको निकाले जाते हैं। मार्केट और इंडस्ट्री से अभिप्राय ये है कि जैसे आप कुछ परचेस करते हैं किसी ऑनलाइन शॉप से या ऑफलाइन शॉप से या कहीं से भी परचेस करते हैं, तो आप डेटा उनको देते हैं, वही फाइनली आप बिल बनाने के लिए डेटा देते हैं, तो वो कलेक्शन होता चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो कनेक्शन कई लाखों में हो जाता है, धीरे 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 करके, और उसके बाद वो डेटा मार्केट में आ जाता है। तो एक सोर्स तो ये हो गया, ठीक है। अब जैसे आप हो गया एलोपेज डेटा हो गया, जस्ट डायल डेटा हो गया, गूगल माई बिजनेस डेटा हो गया, ये भी एक प्रकार की डेटाबेस ही है ना। चलिए अब दूसरा मीडियम देखते हैं। हाँ, किसी शॉप से आप मतलब जाके आप परचेस करते हैं ना, तो वहाँ भी आप किसी मार्ट में अपना नंबर देते हैं ना, तो वी मार्ट डेटा हो गया, वी मोर डेटा हो गया, वो डेटा भी आ जाता है मार्केट में बहुत समय बाद। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां कुछ पैसे की लालच में डेटा बेच देती हैं 1 रुपया उठाने के चक्कर में, और वो संख्या लाखों में हो जाती है। जब आपका डेटा 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे ही बढ़ जाएगा, तब वो उनको एक रुपये एक डेटा का भी अगर वो सेल करती हैं, तो उसकी कीमत तकरीबन 4 से 5 लाख। तो ये कंपनी स्क्रैप, जो कचरा होता है ना, उससे भी पैसा कमा देती हैं, और वो डेटा मार्केट में आ जाता है। और देखते हैं दूसरा सबसे बड़ा मीडियम जो है डेटाबेस का, वो है आपका मोबाइल कंपनीज़। मोबाइल कंपनी से डेटा लीक होता है, तो वहाँ पे होता क्या है, वो भी 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये में ऐसे ऐसे करके, मतलब लाखों में वो डेटे की डील होती है, और वहाँ पे सस्ते में डेटा की डील होती है, क्योंकि उनके पास देखो बहुत आसानी से आपका डेटा अवेलेबल होता है। सभी बंदों के पास अपना एक मोबाइल होता है और उस मोबाइल पे रजिस्टर्ड एक सिम होती है, तो वो मार्केट में क्या करते हैं, वहाँ से भी लोग डेटा सर्विस प्रोवाइडर से निकाल लेते हैं। अब मार्केट में आज के डेट में जो मैं डेटा मैं बता रहा हूँ, दो ही कंपनी का बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो आपका एयरटेल का डेटा है, क्योंकि मार्केट का एक बिग प्लेयर है एयरटेल, और दूसरा जियो का भी डेटा आपको मिल जाएगा। BSNL आउटलेटेड हो चुका है, वोडाफोन जा चुका है, आइडिया का अस्तित्व नहीं है, और कोई कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करती नहीं है। तो मोस्टली आजकल जो डेटाबेस की बात करी जाती है कि मोबाइल नंबर डेटाबेस, तो वो एयरटेल ही बेस्ट लीडर है इस फील्ड का। तो मैं डेटाबेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। तो डेटा ये लाखों में लीक होता है, बट वो आपको पास आते आते वो हज़ारों में हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कापी लीक होती है, सैकड़ों हज़ारों लोगों को बेची जाती है, तो उसकी कीमत क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके सवाल में, जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या डेटा बहुत जेन्युइन होता है? इस सवाल का भी मैं जवाब दे दूं, नहीं, डेटा पूरा जेन्युइन नहीं होता। मैं पूरी फुल्ली जेन्युइन मैं बता रहा हूं। डेटा एक्यूरेसी की बात लोग करते हैं, 95% डेटा मेरा एक्यूरेट है। ऐसा कोई डेटा है नहीं भाई कि मार्केट में 95% एक्यूरेट हो। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सी लॉजिक है, मैं लॉजिक बता रहा हूं। बहुत ही बोलते हैं 99% मेरा डाटा सही है,
लेकिन कुछ फील्ड है आपके मन में, अगर ये कुछ डाउट है ना तो वो भी मैं बताऊंगा। यार मैं इंडस्ट्री में हूँ तो यार इतना तो बता ही सकता हूँ, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे डेटा जो होता है कि 99, 95, even 100% तक एक्यूरेट हो सकता है। अब कौन सी फील्ड है उसको मैं बता देता हूँ, जैसे CBSE स्टूडेंट डेटाबेस, CBSE के जो स्टूडेंट हैं या UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, इवन बिहार बोर्ड है, इस तरह के जो डेटाबेस मार्केट में आते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा ये होती है कि वो डेटा जेन्युइन सोर्स से निकलते हैं और जहाँ से निकलते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है बच्चों का, तो वो डेटा एकदम जेन्युइन होते हैं, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट हैं तो वो स्टूडेंट ही हैं, स्टूडेंट के अलावा वो कोई और बिजनेस नहीं करते जिससे कि उनका डेटा क्या हो जाए, फेल हो जाए। भैया अगर मैं आज 10th क्लास में हूँ तो भी 10th क्लास का बच्चा कोई और बिजनेस नहीं करेगा कि वो डेटा किसी अन्य कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो जाए, बात को मेरे समझिएगा, ठीक है। तो वो उस कैटेगरी का डेटा बहुत जेन्युइन होता है। उसके अलावा मार्केट में मौजूद आई थिंक कोई डेटा 100% नहीं, इवन 90% भी मतलब जेन्युइन नहीं होता है। अगर मैं लॉजिकली जेन्युइन की बात करूं यार तो मैं भी एक्यूरेट नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने भी क्या अरबों सॉरी लाखों डेटाबेस पे मैंने रिसर्च नहीं करा है, कोशिश करता हूं। तो अगर डेटा एक्यूरेसी आपकी 60% आती है ना तो दैट इज़ मार्वेलस, बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इवन आप बढ़ भी सकती है, मैंने कोई कसम नहीं खाए हैं। अब बात कर लेते हैं कि मोबाइल नंबर एक्यूरेसी, व्हाट्सएप नंबर एक्यूरेसी। देखिए व्हाट्सएप नंबर एक्यूरेसी जो मार्केट में आके गिरेगी आपको, मैं जैसे 1,00,000 डेटा देता हूँ, आप सभी नंबरों पे क्या करते हैं, बल्क में व्हाट्सएप सेंड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं बताऊँ आपको तकरीबन 50% नंबर पर भी व्हाट्सएप डिलीवर होगा। उसके पीछे की लॉजिक ये है कि 50% नंबर ऐसे हैं कि जो कि व्हाट्सएप पर नहीं है, ठीक है, यही रीजन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 50% डेटा सही नहीं है, वो डेटा सही है लेकिन वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप मार्केटिंग जब आप करने जाएंगे तो डिलीवरी रेट अप्रॉक्सीमेटली 45-55 वेरी कर जाती है, 42 तकरीबन कभी कभी 60 के बीच में वेरी करती रहती है, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे डेटाबेस इंडस्ट्री में। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं ना तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि सारी थिंकिंग और सारी लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। एक और चीज़ मैं बताऊँ, इस इंडस्ट्री में मैंने फोकस करे हैं, कुछ लोग डेटा मार्केट में नहीं होता है तब भी बेच देते हैं, कहते हैं मेरे पास डेटा है और वो डेटा सही भी होता है। अब मैं उसकी लॉजिक में समझाता हूँ, मैंने काम कराया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि इस साल एक स्टूडेंट 10th क्लास में है, आज से आने वाले 2 साल बाद वो कहाँ जाएगा, 12th में जाएगा। तो 12th का डेटाबेस अभी मार्केट में आया नहीं होता है, उसके पहले ही वो मार्केट प्लेयर क्या होते हैं, उसी 10th के डेटाबेस को क्या करते हैं, बेच देते हैं 12th का कह के, और उस पर एक वो थोड़ी सी टैगलाइन लिख देते हैं कि डाटाबेस एक्यूरेसी 90%। कितना? 90%, क्योंकि उनको पता है कि 10-20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 10th के बाद अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रखते हैं, तो वो 80-90 वेरी करता है। तो ये भी ये क्या है, टेक्निक है, डेटा को बेचने की टेक्निक है। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं कभी कभार, 9th का डेटा जो है उसको रखे रहते हैं, 2 साल बाद 11th का बेच करके बेचते हैं, क्योंकि मार्केट में नहीं आया क्योंकि डेटा बेस मेरे पास पड़ा था। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। अब मैं आपको बता दूं कि कैसा बिजनेस की शुरुआत करें, कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो डेटाबेस के लिए क्या क्या आपको बेचने के लिए क्या जरूरत है, डेटाबेस को बेचने के लिए आपके पास एक नॉर्मल कंप्यूटर होना चाहिए, बहुत हाई कंप्यूटर की जरूरत नहीं हो। हाँ, उसमें जो है हार्ड डिस्क स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटाबेस होता है वो 40 GB, 50 GB, 100 GB, 100 GB प्लस कार्ड कलेक्शन होता है। तो आप आजकल अमूमन देखने को मिलता है कि सभी लैपटॉप में 400-500 GB की हार्ड डिस्क एटलीस्ट लगी होती, तो दैट्स इनफ फॉर यू। और लैपटॉप किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, तो चलेगा 3rd generation, 4th generation, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th कोई भी हो चलेगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अच्छा लैपटॉप रखिएगा। बट अगर इनिशियली स्टेज पे आप शुरू करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। अच्छा लैपटॉप रखने का मतलब ये है कि जब आप डेटा सॉर्टिंग के लिए जाएंगे, डेटा को ओपन करना और पूरी फाइल को खोलना, 2-2, 4-4, 6-6 लाख की एक एक साथ फाइल, 10-10 लाख की जब खुल के आएंगी ना एक्सेल फाइल में, तो कंप्यूटर कुछ देर के लिए लैग कर जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए कहते हैं कि बेबी शुरू कर सकते हो। देखो मैंने कोई वो नहीं बताया कि आपको कंपलसरी है कि ये लेना ही चाहिए, आप शुरू वहाँ से भी कर सकते हो डेटाबेस इंडस्ट्री में। आप शुरू करो यार, वहीं से करो, जो भी आपके पास डिवाइस है वहाँ से करो, एटलीस्ट लैपटॉप तो होना चाहिए। मोबाइल से आप डेटाबेस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, सुन लो, ठीक है। आपके पास कोई सा भी लैपटॉप हो चलेगा। अब बात ये आती है कि इसके लिए क्या कोई प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है,
हाँ अभी तो देखो इंडिया में तो कोई अभी ऐसा कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है ना फॉरेन में कोई प्राइवेसी पॉलिसी है, क्योंकि क्या होता है, होता क्या है कि अब फॉरेन में अगर कोई पॉलिसी बनाएगा ना, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो वहाँ पे लोग डेटा बाहर आउटसाइड कंपनीज भी बेचती हैं, वहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया को क्या इंटरनेट ने एकदम समेट के रख दिया है। हम यूएसए का डेटाबेस यहाँ इंडिया से बेचते हैं, और यूएसए का डेटाबेस मैं बताऊँ तकरीबन 5,000 से नीचे मैं नहीं बेचता, तकरीबन 4-5 लाख डेटाबेस ही होता है मेरा, उसको मैं 5,000 से नीचे नहीं बेचता। आई मीन इस समय मेरे पास 25-20 लाख डेटाबेस, ईमेल डेटाबेस, बहुत ज़बरदस्त वेरीफाइड डेटाबेस है, और उसको मैं 10,000 रुपये के नीचे नहीं सेल करता, क्योंकि देखो यार यूएसए वगैरह क्या है, एक बड़ी मतलब ये कहने कि उनको पैसे वाली लोग वहाँ रहते हैं, तो उनको डेटाबेस खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यार फिर भी सवाल ये आता है मेरे जहन में कि हम कैसे शुरुआत करें, अब बात वहीं आके रुक जाती है ना। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, आप ऑल इंडिया डेटाबेस पैक मेरा लीजिए, वहाँ पे जो मेरे पैक की शुरुआत है वो तकरीबन 1,000 रुपये से आपको रिसेलर मैं दूंगा, उसमें क्या होगा तकरीबन 100 GB के अराउंड 50+ GB डेटाबेस और कुछ सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं, जैसे डेटा एक्सट्रैक्टर वगैरह कुछ भी है, गूगल एक्सट्रैक्टर हो गया, इवन कुछ और सॉफ्टवेयर हैं, बल्क व्हाट्सएप सेंडर हो गया, तो इससे रिलेटेड डेटाबेस से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और मैं बता दूँ जब मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखे थे, मतलब कदम रखे थे ना, तो डेटाबेस की इंडस्ट्री में तकरीबन मैंने 25-30 हज़ार का इन्वेस्ट किया था, मे बी 20-25 याद नहीं है, लेकिन ये 20-20+ का मैंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद मैंने काम करना शुरू करा, अब मेरे पास डेटा काफ़ी कलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब वो डेटा की अगर मैं एक्चुअल प्राइस को इवेलुएट करूँगा आज के डेट में, तो वो तकरीबन मेरे हिसाब से 1-2 लाख रुपए का तो डेटा मेरे पास होगा। सारा डेटा जो इनिशियल स्टेज में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ओनली 1,000 रुपीज़ में, आपको आप मेरे से कॉल करें, जानकारी लें, उसके बाद मैं आपको लिंक दूंगा, आप जैसे ही पैसा सेंड करते हैं आपके पास डेटाबेस आ चुका है। अब उसको अपनी इच्छा अनुसार कैटेगरी में सॉर्टिंग कर लीजिए, जैसे दिल करे वैसे बेचिए। अब आपको ये बताऊं कि एक महीने में आप अपनी पूरी लागत को निकाल लेंगे, और इस इंडस्ट्री में आप कम से कम महीने में 30-40 हज़ार रुपए कमाएंगे। हम कुछ नहीं करते, हमारी कुछ वीडियोस आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना हमारा, आप देखिए ऑल इंडिया डेटाबेस केवल डालिएगा यूट्यूब पे, देखिए मेरा वीडियो ऊपर रैंक कर रहा है ना, वहाँ से मेरे को पर डे की 1,000+ रुपीस का काम आता है यार, कुछ नहीं करता यार मैं, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, आप सोशल मीडिया पर शेयर करो, कुछ नहीं करो ज़्यादा, यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, वीडियो रैंक नहीं करता, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपको वीडियो बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें मायने रखनी पड़ेंगी। अब हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, तो भले मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो से केवल 20 वीडियो मैंने डाले हैं, 20 वीडियो से तकरीबन 40-50 के अराउंड अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि सारे वीडियोज़ के एंड में मैं कुछ ना कुछ सेल करता हूँ। तो भैया मार्केट में अगर आपको रहना है ना, कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आज के लिए मैंने जो आपको नॉलेज शेयर करी है ना, बहुत ज़बरदस्त है, आप इस इंडस्ट्री में आइए और काम करिए। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप बेच रहे हैं तो अगर आप वेबसाइट पे अपने ये सब डेटा लगा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा प्राइवेसी पॉलिसी पे ध्यान रखिएगा, कि उस पर मेंशन कर दीजिएगा वेबसाइट पे कि द डेटा इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, और यहाँ पे मैं किसी को ब्लैकमेल वगैरह इस तरह की चीज़ों में संलिप्तता मेरी नहीं रहेगी, ठीक है। और वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जो कुछ भी और आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है प्राइवेसी से संबंधित, कि बस यही है, आप डेटाबेस इंडस्ट्री में आइए, और हम कहते हैं कि आप 1,000 रुपीज़ अगर लगा के किसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और पहले महीने आप उसका 10 गुना निकाल लेंगे, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, किसी एंगल से मैं गलत कह रहा हूँ, मैं नहीं गलत कर रहा हूँ। आप एक बार इंडस्ट्री में आइए और काम करिए, आप लोगों को डेटाबेस के बारे में जागरूक, किसी से मिलिए तो बोलिए किसी कंपनीज को, वैसे ही कॉल करिए बैठे हुए कि सर मैं डेटाबेस में डील करता हूँ, क्या डेटाबेस आपको चाहिए वगैरह वगैरह, तो आपको उनको डेटाबेस दे सकते हैं। अब प्रीमियम डेटाबेस पैक तो महंगे पड़ते हैं, फिलहाल प्रीमियम डेटाबेस भी कोशिश करेंगे कुछ हम आप लोगों को देने के लिए, लेकिन जो ये स्टार्टर पैक है मेरा 1,000 रुपीज़ का ज़बरदस्त पैक है, आप इसको ले लीजिए और डेटाबेस की जर्नी को स्टार्ट करिए, ठीक है। और हम यूएसए के डेटाबेस और हाल ही फिलहाल में मैंने पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज़ के डेटाबेस पे और काम करना शुरू करा है, जैसे ब्रिटेन का भी डेटाबेस पे कलेक्शन मैंने किया है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं, आपको एक
कम्युनिटी मिल जाएगी। जब आप डेटाबेस इंडस्ट्री में इंटर करेंगे ना, तो आपके पास आपको भी बहुत से डेटाबेस वाले आपको कॉल करने लगेंगे, या फिर उनकी यूनिटी बन जाएगी। उसके बाद डाटाबेस एक्सचेंजिंग का भी काम शुरू हो जाता है। आपके पास कुछ डाटा है, आप उनको सेंड करेंगे, उनके पास कुछ नया डेटा है, वो आपके पास सेंड करेंगे। आप भी कहीं 2,000-4,500 का डेटा किसी से परचेस करेंगे, कुछ नया डेटा हो सकता है मार्केट में आ गया, ठीक है, मेरे को भी परचेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं डेटाबेस बनाता हूँ, तो आप भी परचेस करेंगे, आप मेरे को शेयर करेंगे, मैं दूसरे को शेयर करूँगा, दूसरा मुझे शेयर करेगा। ऐसे ही क्या होगा, एक फ्रेंड सर्किल भी बन जाती है डेटाबेस इंडस्ट्री में। एक बार वो 1,000 लग जाते हैं, उसके बाद आपको मे बी बहुत रेयर केसेस पैसे लगाने पड़ते हैं या न के बराबर लगाने पड़ते हैं। अभी के डेट में मैं बता दूं, जो डेटाबेस मेरे पास नहीं होता है, देखो भाई ऐसा नहीं है कि सबके पास सब डेटाबेस मौजूद हो, मेरे पास जो डेटाबेस नहीं होता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं प्री ऑर्डर ले लेता हूँ। पहले डेटाबेस मार्केट में इंडस्ट्री में मैं पता करता हूँ अच्छा डेटाबेस है कि नहीं जेन्युइन, उसको वेरीफाई करता हूँ। उसके बाद कस्टमर से फ्री ऑर्डर ले लेता हूँ कि आप पैसे भेजो, 1-2 घंटे में आपको डेटाबेस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनको रेट मोल भाव हम कर लेते हैं अपने सिरे से, कि जैसे मान लीजिए जैसे कुछ डेटाबेस के बारे में मैं बता दूँ क्या रेट चल रहा है। देखिए अब जैसे शेयर मार्केट का डेटाबेस महंगा बिकता है, शेयर मार्केट का डेटाबेस भी महंगा बिकता है। अब वहाँ पे तकरीबन 1,00,000 डेटा का हम लोग 5,000 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं, 5,000 रुपये 1,00,000 डेटा का चार्ज कर लेते हैं शेयर मार्केट, क्योंकि इंडस्ट्री जो है पैसे वाली इंडस्ट्री है, यहाँ जो आएगा तो काम करेगा। एटलीस्ट आपको अब जैसे डेटाबेस मिल जाएगा, अब हम लोगों से प्रीमियम डेटाबेस अगर आप खरीदें 3,500-4,000 रुपये में 1,00,000 मिलेगा, आप उसको 5,000 में बेच सकते हैं, 1,000-1,500। मेरे को भी ज़रूरत होती है तो मैं थर्ड पार्टी से खरीद लेता हूँ। उसमें करना क्या है, मैं पहले एडवांस लेके नहीं रखने का, आपको जैसे ही ऑर्डर आया आपने कॉल किया कि सर मेरे को ये डेटा चाहिए इस इंडस्ट्री का, आप दे दीजिए, ठीक है, सिंपल आप उसको दिखाओ और पैसे ट्रांसफ़र करो, इधर से डेटा लो उधर ट्रांसफ़र करो, आपके पास भी डेटा आ गया, क्लाइंट के पास भी डेटा चला गया। तो इंडस्ट्री में देखो एक बार शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 1,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसके बाद आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, आप बस उधर से ऑर्डर आया, इधर से उठाया, उधर दिया, यही चल रहा है। क्योंकि हम कम्युनिटी आपको मेल बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक कम्युनिटी पेज बना देते हैं फेसबुक पेज में, वहाँ पे डेटाबेस सप्लायर को हम धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जो डेटाबेस में डील करने वाले लोग हैं वहाँ पे भी कोशिश करेंगे हम लोगों को ऐड करने की। तो फ्रेंड देर किस बात की, अगर डेटाबेस इंडस्ट्री में आप वाकई में काम करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करें नीचे नंबर पे, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट विजिट करिए और वहाँ से वो डेटाबेस का कंप्लीट बंडल खरीद लीजिए, उसकी सॉर्टिंग करिए और कल से ही डेटाबेस बिजनेस की शुरुआत करिए। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी काम कर देंगे, 2-4-10 लोग आप अच्छे खासे जान जाएंगे कि आप डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप मंथली के 20,000-25,000 रुपये कुछ नहीं, आधे घंटे 1 घंटे बस मोबाइल पर डील करके आप पैसे कमा सकते हैं डेटाबेस इंडस्ट्री में। बस डेटा उधर से ऑर्डर आया आपके पास है तो प्रोवाइड ही किया, नहीं है तो बैक साइड से उठाया और उधर से ही जो लिंक आया गूगल ड्राइव का उधर भेज दिया, अपने पास भी डेटा रख लिया। दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, डेटाबेस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं। हम भी एज ए प्लेयर हैं जरूर, लेकिन ये कहिए कि हम लिमिटेड अन्य फील्ड में काम करने की वजह से इस फील्ड में लिमिटेड वर्क करते हैं, फिर भी 40,000-50,000 के अराउंड मैं अपनी मतलब क्या कर लूँ, अर्निंग यहाँ से भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यार इंडस्ट्री है और ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको डिस्कस किया है कि डेटाबेस इंडस्ट्री में कैसे आना चाहिए, किस प्रकार से के डेटा हैं। और डेटाबेस वैसे मेनली आपको बता दूं कि अब इनका उपयोग भी समझ लीजिए, एक होता है SMS सूट के लिए, वहाँ पे मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है, ठीक है, और दूसरा डेटा आपका होता है मेनली ईमेल के लिए होता है, वहाँ पे केवल वो ईमेल शूट करते हैं, ठीक है। अब तीसरा पर्पस भी होता है जैसे बल्क व्हाट्सएप के लिए, वहाँ भी मोबाइल नंबर का ही यूज़ होता है। और फिर से चौथा यूज़ होता है ये कॉल के लिए या वॉइस कॉल सर्विस के लिए, तो वहाँ पर भी मोबाइल नंबर का यूज़ होता है। अब सेल्फ कॉलिंग पर्सनल 1-by-1 कॉलिंग के लिए भी मोबाइल नंबर डेटाबेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ऑल अराउंड डेटाबेस के बारे में रहा, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद करते हैं अगर आप यहाँ लास्ट तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं यार, एक लाइक दे देना। इतना देर अगर आपने दे दिया है डेटाबेस को समझने में कि कैसे इंडस्ट्री में आया जाए, क्या किया जाए, तो एक लाइक तो बनता है यार। अगर कोई डाउट है ना, अगर नहीं अच्छा लगा तो यार डिसलाइक भी दे देना यार।
फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।